बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना, एक गंदम की फील्ड के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ एक तो हमें जो मसला देखने में आया है, जर्मिनेशन काफ़ी कम है। इस साल जो है ना, जर्मिनेशन का काफ़ी इशू आ रहा है गंदम के अंदर। अच्छा, इसको पानी लग चुका है पहला, उसके ऊपर जो है ना यूरिया खाद जो है ना फ्लड की है, और इसमें अब जो है जड़ी बूटियों का मसाइल जो है ना काफ़ी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आप ये देखें। तो आज जो है हम बात करेंगे जड़ी बूटियों के ऊपर, कि जड़ी बूटी के स्प्रे करते वक्त क्या ज़रूरी एहतियातें होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जब आप स्प्रे करें तो कोशिश करें कि स्प्रे जो है वो टी जेड नोज़ल से करें, और स्प्रे करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि एक ही जगह पे बार बार आप स्प्रे ना करें, या जो आपका करने वाला है वो ये ना हो कि स्प्रे को दो दफ़ा एक ही जगह पे घुमा दें, उससे जो पौधे हैं वो स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे। दूसरा एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने स्प्रे करते वक्त आपकी ज़मीन में एक तो बहुत ज़्यादा वत्तर ना हो, और आपकी ज़मीन बिल्कुल खुश्क ना हो। अगर ये दोनों स्टेज होंगी तो पौधे जो हैं आपके वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो बड़ी कॉमन सी गलती हमारे यहाँ होती है, कि आपने जो जड़ी बूटी मार स्प्रे है वो आपने धूप के वक्त करना है, कि धूप निकली हो, ऐसा ना हो कि पत्तों के ऊपर नमी हो, या आप शाम के टाइम या रात के टाइम करें तो तरेल पड़े, उससे भी पौधे आपके स्ट्रेस में आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का एहतियात करके हम पौधों को जड़ी बूटी मार का जो स्ट्रेस है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।